हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नगरपालिका चुनाव शांतिपूर्वक हुआ संपन्न, चुनावों में 82.57% हुआ मतदान। सोजत रोड नगरपालिका 2021 के चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए। मतदान को लेकर शहरवासियों में काफी उत्साह नजर आया। निर्वाचन अधिकारी दौलत राम चौधरी के अनुसार सवेरे 8 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई, परंतु सर्दी का मौसम होने के कारण 10 बजे तक 18.9 मतदान हुआ। उसके बाद मतदाताओं की भीड़ लगनी शुरू हुई तथा 1 बजे तक ये प्रतिशत बढ़कर 53.77 हो गया। वहीं शाम 3 बजे तक ये मतदान प्रतिशत 71.36 हो गया तथा शाम 5 बजे तक 82.57% मतदान किया गया। नगर के सभी 40 वार्डों में 56 बूथ बनाए गए थे तथा कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप मतदान संपन्न किया गया तथा सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। जहां किसी जगह पर थोड़ा बहुत कोलाहल हुआ, वहां पुलिस प्रशासन तत्काल पहुंचा तथा शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। सोजत नगर पालिका के 40 वार्ड में 115 प्रत्याशियों का भाग का निर्णय ईवीएम में बंद हो गया। सवेरे से ही मतदान को लेकर युवाओं में उत्साह नजर आया तो दिव्यांग लोगों को व्हीलचेयर एवं बुजुर्ग लोगों को हाथों में उठाकर लाया गया एवं नैणा बैरा पर एक 110 वर्षीय बुजुर्ग महिला भाणी देवी को पलंग पर लाकर मतदान करवाया गया। वहीं प्रत्याशी एक एक मतदाता को मतदान केंद्र पर पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास करते दिखाई दिए। कई बूथों पर 100 वर्ष से ज्यादा आयु के मतदाताओं ने मतदान किया तो कई बूथों पर दिव्यांगों ने भी मतदान किया। मतदान प्रक्रिया के दौरान पुलिस उपाधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ एवं सीआई रामेश्वर लाल भाटी सहित पुलिस प्रशासन आरएसी के जवान पूरी तरह से चाक चौबंद रहा तथा मोबाइल दल प्रत्येक बूथ पर घूमते रहे। वहीं बीएलओ प्रगण को एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी चुनाव प्रक्रिया संपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं इस बार पालिका क्षेत्र के 40 वार्ड में 115 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया, जो आगामी 31 जनवरी को उनकी किस्मत की चाबी खुलेगी। जागरूक टीवी की सोजत सिटी से नथाराम बोराना की रिपोर्ट।